सभी मित्रों को नमस्कार। सुबह सुबह का आज ई श्रमिक पंजन एवं इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी जॉब कार्ड शिविर का आयोजन आज वार्ड नंबर 10 क्षेत्रीय पार्षद साहब गिरीश भारती जी के बाल शिक्षा सदन स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। और आप देखें कि अब धीरे धीरे क्षेत्र के लोग जो है वो यहाँ पर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। और आज एक बड़ी संख्या यहाँ पे भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों की होती है, आज उन सब लोग आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिविर का जो है उद्घाटन हो चुका है और धीरे धीरे यहाँ के क्षेत्र के लोग आएंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले काफ़ी संख्या में अपने वार्ड नंबर 10 में कामगार है और आज किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए आपने क्या क्या प्रबंध किए? वैसे हमने डोर टू डोर माउथ पब्लिसिटी को ज़्यादा उपयुक्त समझा, क्योंकि ये लोग फेसबुक व्हाट्सअप और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे कम रूबरू रहते हैं, इनकी समझाइश जब फेस टू फेस नेक टू नेक होती है तब जाके कारगर सिद्ध होती है। हमने जो हमारे मौजूदा लोग हैं मोहल्ले के उनके पास गए, उनकी योजना इसके बारे में बताया तो लोगों ने अपना रुझान रखा और उनका आने में अपनी सहमति प्रदान की। कुछ अपने पारिवारिक कुछ सामाजिक कार्य से निवृत्त होकर शिविर में आई। कितने कामगार है अपने यहाँ श्रमिक आपको लगता है? एक्चुअल में हमारे यहाँ जो दाता खेत जो पुरानी ग्रामीण बस्ती है ये पूरी कामगारों की बस्ती है, तो 150-200 लोग हैं ऐसे जो इससे करते हैं, इसके अलावा भी बहुत से लोग। तो आप देख सकते हैं कि कामगारों की काफ़ी बड़ी संख्या यहाँ रहती है, ज़्यादातर तो घरेलू काम से जुड़ी महिलाएं हैं, ज़्यादा से निर्माण काम से जुड़े लोग हैं, कुछ दुकानों पे काम करने वाले हैं, कुछ थैला थड़ियों पे काम करने वाले लोग हैं। आज वो सभी लोग आने वाले हैं और अपना पंजीयन कराएंगे। ऑटो वाले हैं, कई बनवा आया हूँ, कई नाम है भावना, कई बनवा आया हूँ, ई श्रमिक कार्ड बनाया हुआ है ना, ई श्रमिक कार्ड और श्रमिक कार्ड और फॉर्म बटन लेना लास्ट में, एक बार ये हो जाए अच्छा बटन जाओ। तो शहरों के संघ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर, आप जॉब कार्ड बढ़ी दो, जॉब कार्ड बढ़ गया ठीक है, अब काम मत जाओगा ठीक, ओके हाँ बढ़े जाओ। नाम बताया अपना जी। तो आप देख सकते हैं कि जी नाम सरा बदली है, जॉब कार्ड बनाया हुआ और 2 लाख का बीमा भी है, उसके लिए मैं कलर काम करता हूँ। आप अपनी सुरक्षा के लिए बीमा करवा रहे हैं, ई श्रमिक कार्ड बनवा रहे हैं, श्रमिक कार्ड सुरक्षा के लिए बनवा रहे और श्रमिक कार्ड भी बनवाना, श्रमिक कार्ड भी बनवाना। तो आप देख सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगार पहुंचे हैं और धीरे धीरे एक बड़ी संख्या में आने वाले हैं। और भाई सौरभ जी भी हमारे बीच में आ गए। तो सौरभ जी शिविर का नेतृत्व करने आ गए हैं और शिविर के संयोजक हैं पूरे। और देखिए आज बड़ी संख्या में हमारे क्षेत्र के श्रमिक आएंगे, असंगठित कामगार श्रमिक सभी अपना अपना ई श्रमिक कार्ड बनवाएंगे। सौरभ जी कैसा रहेगा आज का यहाँ? ये जो ये वार्ड नंबर 10 है वहाँ पर ये नगर निगम उदयपुर श्रम कल्याण विभाग जग विद्या ट्रस्ट इंटक के द्वारा और हमारे क्षेत्रीय पार्षद महोदय आदरणीय गिरीश भारती जी के सहयोग से आज आपके प्रेरणा बाल सदन शिक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय में परिसर में ये श्रम शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना एवं श्रम कार्ड असंगठित श्रमिक के लिए बनाया जा रहा है, तब जो वंचित लोग हैं जो वंचित लोगों को रोजगार दिया जाए। तो हमारी कोशिश ये इस बार में लगा रहे थे कि जो वंचित हैं जो व्यस्त काम नहीं कर रहे हैं घर पर रह रहे हैं चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो लोग रोजगार से जुड़े। राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी योजना इससे जुड़े ताकि वो 100 दिन रोजगार पाके अपना जो अपनी लाइफ है अपना जीवन से खुशनुमा बनाए।
मुख्यमंत्री महोदय के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी साहब ने बहुत अच्छी इस योजना चलाई है असंगठित श्रमिक के लिए रोजगार देने के लिए, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो ये योजना ओनली फॉर ग्रामीण क्षेत्र में महानरेगा के रूप में चल रही पूरे भारतवर्ष में, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर ये शहरी क्षेत्र में योजना चालू की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद। बड़ी संख्या में श्रमिक आने वाले हैं असंगठित क्षेत्र में कामगार जितने भी लोग हैं, नाम बताएं। मेरा नाम रविलाल पेली है, मैं इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। तो श्रमिक कार्ड बन रहा है, असम सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। तो देखिए, आप ई श्रमिक कार्ड बनाने आए हैं, ई श्रमिक कार्ड में अपना बीमा भी है काफ़ी फायदे, और ललिता भाई भी आ गए हैं हमारे बीच में, आप भी ई श्रमिक कार्ड बनानो। हाँ हाँ, अब काम भी करूँगा, काम भी करूँगा मैं, सरकारी योजना और लाभ भी लूँगा, सब लाभ लूँगा, आप भी लोगा। सबका बनेगा।